हेलो। तो इस वीडियो में मैं आप हाउस ऑफ ड्रैगन के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में। तो मैंने भी तुम्हारी तरह लगभग 6 से 7 यूट्यूब वीडियोस देख लिए, सारे रिव्यू देख लिए, पर कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में जाके मैंने गूगल पे इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा और कुछ एक इंग्लिश वीडियोज भी देखी, तो उससे मेरे को क्लियर हो गया कि आखिर क्या क्या है। टीजर में दिखाए हुए सारे मेन मेन कैरेक्टर्स बताने वाला हूँ, तो ट्रस्ट करो मेरे पे, ये पूरी वीडियो आपके लिए वर्थी रहने वाली है। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर। तो सबसे फर्स्ट जो हमको आयरन थ्रोन पे बैठा हुआ दिखता है और जिसके हाथ में एक शानदार तलवार है, उसका नाम है किंग विसरिस टारगेरियन। उसके एक छोटा भाई है जिसका नाम है डीमन टारगेरियन। डीमन टारगेरियन ने पूरा टीजर नरेट किया, मतलब कि जो टीजर में पूरी आवाज है वो उसी की है। तो विसरिस टारगेरियन की जो फर्स्ट शादी होती है उससे जो उसकी चाइल्ड पैदा होती है उसका नाम होता है रेनिरा टारगेरियन। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जो टीजर है उसमें 2 टाइमलाइन बताई हुई है, एक छोटी है मतलब यंग है रेनिरा टारगेरियन और एक है जो ओल्ड है मतलब कि करंट एज वाली, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सेकंड जो शादी होती है उस विसरिस टारगेरियन की, वो होती है एलिसेंट हाईटावर से। अब मैं तुमको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो एलिसेंट हाईटावर है उसके जो पिता है उसका नाम ऑटो हाईटावर है, जो कि विसरिस के टाइम पे हैंड ऑफ द किंग है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में थे उस टाइप से। और मैं तुमको याद दिला दूं कि हैंड ऑफ द किंग मतलब कि राजा के बाद में पूरे किंगडम में सबसे पावरफुल आदमी। तो एलिसेंट हाईटावर और किंग विसरिस टारगेरियन, इनका जो सबसे बड़ा लड़का है उसका नाम है एगोन टारगेरियन। एक चीज मैं यहाँ पे तुम्हारे क्लियर कर दूं कि ये वो एगोन द कॉन्करर नहीं है, जो सबसे फर्स्ट टारगेरियन वो वाला नहीं है, उसकी कहानी सुननी हो तो वो भी मैंने बना रखी है। तो विसरिस टारगेरियन पूरे किंगडम में घोषणा कर देता है कि उसके बाद में जो किंग बनेगा वो उसकी लड़की रेनिरा टारगेरियन बनेगी, लेकिन जो उसकी पत्नी है सेकेंड पत्नी एलिसेंट हाईटावर वो नहीं चाहती है, वो चाहती है कि उसका लड़का एगोन टारगेरियन मतलब कि सेकेंड वाला एगोन टारगेरियन ये राजा बने। लेकिन अभी भी फाइट बिल्कुल ओपनली नहीं हुई है, बस इन परिवार के बीच में मतभेद चल रहे हैं। में इस टाइमलाइन का सबसे मेन इवेंट आता है, जो कि विसरिस टारगेरियन और उसकी पत्नी एलिसेंट हाईटावर की 5वीं सालगिरह है। तो इस सीन को टीजर में भी दिखाया गया है। अब मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पर जो रेनिरा टारगेरियन होती है लड़की विसरिस टारगेरियन की, वो पहन के आती है ब्लैक और रेड कलर का गाउन, जो कि हाउस टारगेरियन का एक ट्रेडिशनल कपड़ा है। लेकिन इसी टाइम पे जो एलिसेंट हाईटावर है वो पहन के आती है ग्रीन कलर का, मतलब कि ये जो अभी 5वीं सालगिरह है, मतलब कि उसका बच्चा खुद भी 4 साल का होगा एगोन सेकेंड, लेकिन वो पुत्र मोह में आ जाती है और वो कहती है कि मेरा बेटा राजा बनेगा। लेकिन इधर रेनिरा टारगेरियन जो कि फर्स्ट है विसरिस टारगेरियन की लड़की और उसका पिता का भी सपोर्ट है उसके साथ में, तो वो भी क्लेम करती है कि मैं बनूंगी नेक्स्ट किंग। तो अब यहाँ पे इस इवेंट के बाद में पूरा मतलब कि किंगडम पूरा वेस्टरोस कुछ भागों में बढ़ जाता है, मतलब कि 2 भागों में, एक होते ग्रीन्स एक होते ब्लैक्स। ब्लैक्स जो उस प्रिंसेस के साथ में रेनिरा टारगेरियन को बनाना चाहते हैं, और जो ग्रीन्स जो हाई टावर के साथ में मतलब एलिसेंट हाई टावर के साथ में जो इसके लड़के एगोन को बनाना चाहते हैं। तो इस टाइप का सीन चल रहा होता है। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया, सी स्नेक कौन है और उसका इन सब से क्या लेना देना है। तो अब मैं तुमको बता दूं कि सी स्नेक का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लेनोर वैलेरियन, जिसकी शादी होती है रेनिरा टारगेरियन से, हाँ वही विसरिस टारगेरियन की लड़की से। तो क्या होता है कि लेनोर टारगेरियन बहुत जल्दी ही मर जाता है, मतलब यंग एज में मर जाता है। तो रेनिरा टारगेरियन की सेकंड शादी होती है डीमन टारगेरियन से। तो टीजर में हमको एक और कैरेक्टर की झलक देखने को मिलती है जिसका नाम माइसीरिया है। माइसीरिया दरअसल एसोस की है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में 2 ही कॉन्टिनेंट है, एक का नाम है वेस्ट्रोस और दूसरे का नाम है एसोस। वेस्ट्रोस में तो जो 7 किंगडम है और मेन जो है वो एसोस, जहाँ पे डोथ्रा की रहते होते हैं और जब छोटी होती है डेनी तब वो भी वहीं रहती होती है। तो स्टार्टिंग में तो माइसीरिया डेमन टारगेरियन की लवर होती है, लेकिन जब डेमन टारगेरियन की शादी रेनिरा से हो जाती है तब वो वहाँ की मास्टर ऑफ विस्पर्स होती है। मास्टर ऑफ विस्पर्स को अगर सरल भाषा में बोलूँ तो गुप्तचर विभाग की। तो अब तुम्हारे दिमाग में शायद कुछ क्लियर इमेज बन गई होगी कि आखिर कौन कौन है और क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो मेनली अब पूरा वेस्टरोस 2 भागों में बटा हुआ है, द ग्रीन्स और द ब्लैक्स। तो ब्लैक्स वाले ग्रुप में है प्रिंसेस रेनिरा और उसका अंकल बोला है उसका सेकेंड पति, जो कि डेमन टारगेरियन, और जो ग्रीन्स है वो है एलिसेंट हाईटावर, जो कि अपने लड़के को मतलब कि एगोन सेकेंड को बनाना चाहती है राजा, और उसके साथ में उसका जो पिता है वो है जिसका नाम है ऑटो हाईटावर। अब ये देखना है कि आगे सीस्नेक किसकी साइड में, क्योंकि सीस्नेक के पास में बहुत तगड़ी नेवी है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देने वाला है। तो इसके लिए तो अपन को हाउस ऑफ ड्रैगन देखना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, और इससे ज़्यादा क्लियर कहीं पे कोई समझा दे मेरे को बता देना, मैं भी कल से उसको देखना चालू कर दूँ। फिर और भी कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट्स में,
इसके अलावा चैनल को कर दो विजिट और कर दो सब्सक्राइब। तो इतना कुछ सिंप्लीफाइड सुनने के बाद में भी कोई अगर बंदा सब्सक्राइब नहीं करे तो वो हो सकता है सिर्फ एक ही बंदा, कौन? थियोन ग्रेजर।